अलीगढ़ के पुराने शहर में रहने वाली मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित की है। इतना ही नहीं, रूबी आसिफ खान ने सनातन धर्म के अनुसार गणेश प्रतिमा स्थापित करने के बाद उनकी आरती की और फिर मोदक से उनका भोग भी लगाया। रूबी आसिफ खान पिछले कई वर्षों से हिंदू त्योहारों को मनाती चली आ रही हैं। रूबी आसिफ खान गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा स्थापित करती हैं तो नवरात्रों में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करती हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म के त्यौहार मनाने के बाद कई बार उन पर मौलानाओं द्वारा फतवे जारी किए जा चुके हैं। फिलहाल हिंदू धर्म के त्यौहारों को मनाने के बाद रूबी आसिफ खान का कहना है कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हमेशा बना रहे, इसलिए मैं मुस्लिम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के त्यौहार भी पिछले कई वर्षों से धूमधाम से मना रही हूँ। आज मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है और जिस तरह से मैं करती आई हूँ पिछले साल से, अब मैं दोबारा रखी है मैंने और इसी तरह रखती रहूँगी। और मैंने सब मतलब पूरे विधि विधानों के साथ पूजा अर्चना की है, आरती वगैरह की है, फल मिठाई सब हैं और लड्डुओं का भोग लगाया है। और उद्देश्य ये है कि सबको संदेश देना चाहती हूँ, इसी तरह एकता बनी रहे सब लोगों में, कोई भेदभाव ना रहे, सब हम लोग एक हैं ये मान लें, हम कोई अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसी तरह सारे त्यौहार मनाते रहें, कोई भेदभाव ना हो किसी।